ब्यूटीफुल ईशा जी आज हमारे साथ साड़ी में प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है साड़ी में। तो सबसे पहले मुबारक एंड जप नाम। तो बताइए कि तकरीबन दिन में कितनी बार बोलती हैं जप नाम? अभी फिलहाल कुछ दिनों से ज़्यादा ही बोल रही हूँ जप नाम, क्योंकि शो रिलीज हुआ है कल हमारा आश्रम, एंड साड़ी का जो आप लोग देख रहे हैं थैंक्स टू आश्रम कि यू नो एक ऐसा शो मुझे करने को मिला जहाँ जन्नत के बाद कोई लुक नहीं मिला था ऐसा, तो आई गॉट टू एटलीस्ट प्ले विद इट एंड थोड़ा कुछ अलग दिखाने को मिला। बिल्कुल। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यू नो मुझे तो ऐसा फील होता है कि आई थिंक आश्रम का फर्स्ट पार्ट से ही ईशा जी को इसका पार्ट होना चाहिए। थैंक यू। वो तो खैर आपकी और मेरी दोस्ती भी है, तो आप हमेशा ऐसा सोचेंगे, वो आपका प्यार है। थैंक यू। बट बहुत अच्छा रहा। आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी एंड लकी कि मैं भी ये चाहती थी कि पहले सीजन से मैं होती, मगर ये भी खुशकिस्मती है कि देखिए पहले दो सीजन जब आए भी किसी को पता भी नहीं था कि आए हैं आश्रम, बट लॉकडाउन में उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना हुआ, सबने बोला कितनी अच्छी सीरीज है। मैंने भी ऐसी देखी, आपको सच बताऊँ, मैं अरे देखूँ तो क्या है ना, आई वॉज लाइक वाओ व्हाट अ सीरीज। अनफॉर्चुनेटली पहले दो में नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली प्रकाश सर ने देखा कहीं कि कहाँ यू नो जो कैरेक्टर है सोनिया को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एक ही नया कैरेक्टर है जो अब आया है नेक्स्ट सीजन में, वो है मेरा कैरेक्टर सोनिया का। सो आश्रम सीजन 3 में अप्रिशिएट बहुत ही किया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक आपकी एंट्री है जी, सोनिया जी की एंट्री है, इसलिए अच्छा है, इस वजह से किया जा रहा है ज़्यादा अप्रिशिएट। मगर देखिए आश्रम एक ऑलरेडी एक अपने आप में एंटिटी है, प्रकाश झा है, बॉबी देओल, एंड बॉबी देओल की मतलब एक अलग ही एंट्री आई है इसमें लाइफ में, उनके बिना आश्रम दिखता नहीं है मुझे होते हुए, एंड थैंक गॉड कि मुझे एक यू नो एक कैरेक्टर ऐड हो पाया, क्योंकि एक चाहिए था सोनिया जैसे आई है, सोनिया चाहिए थी कुछ मिर्च मसाला लाने, अपनी कुछ और ही वो तरकीब, अपनी कुछ और ही वो प्लानिंग कर रही है, एंड एक और ग्रे कैरेक्टर ऐड हो गया स्टोरी में ना, ताकि स्टोरी भी, क्योंकि सीरीज का क्या होता है आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है हमेशा, ताकि स्टैग्नेंट ना हो जाए, तो आई एम रियली ग्लैड कि वो नया तड़का मैं लाई हूँ इस बार। बिल्कुल, एंड वहाँ भी मैंने आपको देखा साड़ी जी, में आपकी एंट्री भी है लाइक, सो हम ऐसा माने कि साड़ी पहनने की काफी तैयारियां कर रही है। मैं आपको सच बताऊं, साड़ी अगर मुझे जब मैं तो चाहती थी हमेशा से साड़ी में रोल मिले, पहले प्रकाश सर ने एक्चुअली जब हमने लास्ट ईयर समर में फिटिंग्स की थी तब किसी को पता नहीं था, सेकेंड लॉकडाउन से पहले की बात कर रही हूँ, किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरा वाला भी होगा और इतना बुरा, तब लुक बहुत अलग था, सोनिया का कैरेक्टर तब जैसे और लड़कियों का है वैसा सा था, थोड़ी कैरेक्टर भी उसका ये ग्रे कैरेक्टर नहीं था। प्रकाश सर के पास बहुत टाइम था जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ कि उन्होंने कैरेक्टर थोड़ा बदल दिया, तो हमारी फिटिंग्स भी थोड़ी यू नो चेंज हुई, और जो ये हॉट लुक था साड़ी का वो हुआ। और मैं तो हमेशा सर को बोलती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूरोप में भी होती हूँ, कितनी बार मैं बस अपनी कॉटन की साड़ी पहन के स्पोर्ट्स शूज के साथ दिन में निकल जाती हूँ, एंड जब जाती हूँ नो मेकअप नथिंग कुछ नहीं करके, लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं सड़क पे, बिकॉज फॉर देम इंडियन ब्यूटी इज समथिंग एल्स। आई तो लव, मतलब आप कितना भी बोले साड़ी में आई रोम अराउंड। बिल्कुल। एंड मेरा भी ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़कियां आई थिंक कुछ भी पहन ले, लेकिन जो खूबसूरती साड़ी में आती है, ओह माय गॉड। थैंक यू। नहीं आई नो आपने मुझे आते ही सबसे पहले बोला, क्योंकि आप तो हमेशा ही, बिल्कुल मैं बोला ना इतने साल से हम दोस्त रहे हैं, आप हमेशा मुझे मिलते हैं और हमेशा बोलते हैं, बट आई एग्री आज आपने पहली बार मुझे साड़ी का स्पेशली बोला। बिल्कुल। तो मेरी तो हमेशा देखिए, और आई थिंक हिंदुस्तानी औरत साड़ी में इतनी अच्छी लगती है कि मेरे इतने फॉरेनर दोस्त हैं, सब लड़कियां साड़ी इंडिया आते हैं, उन्हें सूट नहीं पहनना, लहंगा नहीं पहनना, उन्हें साड़ी पहननी है, क्योंकि वो खूबसूरती हिंदुस्तानी औरत की साड़ी ही है। बिल्कुल। और जो बहुत सारे राज मेरे पास आ रहे हैं, और लोगों को पता है कि नहीं कि आपको तो बहुत सारे बच्चे भी चाहिए, तो उसकी बातें करनी आप बताइए, आई डोंट नो। अगर देखिए, अगर मैं टाइम से शादी कर लेती, चाहे वो मेरे फिर मेरे मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे करने की इच्छा में थी, चाहे वो मिक्स एंड मैच होते कि खुद से कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, सरोगेसी, बिकॉज बच्चे होते हैं, मुझे मतलब जब तक बच्चे को घर मिल रहा है, अच्छी अपब्रिंगिंग मिल रही है, अब वो आपका होता है, जैसे आप जब पेट भी लेते हैं, हम तो पैदा नहीं करते, मगर वो आप मेरे लिए वही बच्चे हैं मेरे, तो वो सेम हो जाता है, बट इट्स जस्ट अब लेट हो गई, वरना मैं तब भी चाहूँगी कि यू नो एटलीस्ट 3-4 बच्चे मिनिमम।
मेरा हमेशा से, मुझे बच्चों का हमेशा से शौक रहा है। मैं किसी को मिलती भी और कोई मुझे बताता है यार मेरा भी बच्चा हो, मैं सबसे वो क्या बोलेंगे, मैं खुद बोलती हूँ प्लीज पिक्चर दिखा दो। तो वो कुछ कुछ का होता है ना, वो हमेशा से रहा है मुझे कि शादी बच्चे, अब वो जब होगा वो तब का तब देखेंगे। बिल्कुल, आई विश कि जल्दी होगा एंड आई विश कि आपके पास पूरी इंडियन क्रिकेट टीम होगी। वो तो नहीं होगा, बट आई विश कि पहले शादी हो जाए फिर बच्चे पे आ जाए। तो आई रियली होप भगवान पहले शादी कर दे। बिल्कुल। तो चलिए हम अपने आश्रम 3 पे आते हैं। जब मैंने प्रकाश जी से बात की, उन्होंने भी ऐसा कहा, ऐसा कहीं ना कहीं माना कि यार मुझसे ऐसे गलती हो गई, फर्स्ट पार्ट से मुझे ईशा जी को कहीं ना कहीं रखना चाहिए था। तो ऐसे डायरेक्टर का जब ऐसे कमेंट्स आता है तो क्या फील करती हैं ईशा जी? बहुत अच्छा लगता है। बस आपने बोला, अलग बात यह कि मैं प्रकाश सर को फोन करके बोलूंगी क्यों नहीं लिया आपने मुझे। नहीं, मगर देखिए जब मैंने आपको बोला, जब पहले तो पार्ट देखे तो मुझे खुद से लगा हाय आई विश प्रकाश सर ने ये शूट किया, मुझे ऐसे शो के लिए क्यों नहीं बुलाया, किसी कुछ मुझे दे देते करने के लिए। और जब सर ने मुझे एक्चुअली कॉल किया ना, लाइक सर मैं आपको बताऊं, मैंने शो देख कर ही सोचा आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। बट सर ने वही बोला कि बेटा इस सीजन में जो ये कैरेक्टर, उन्होंने मुझे बोला बेटा छोटा सा कैरेक्टर है, मैं तो सोच भी नहीं रहा था मतलब कि तुम करोगे, मगर मैं तब भी सोचता हूँ कि तुम सोनिया कर पाओगे, तुम सूट करोगे, तुम करोगे क्या। और मैंने सर को छूटते बुलाया, ले सर सब छोड़ो हमें कुछ और बात करनी नहीं है, आपको अगर लगता है फिट इन सोनिया, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आश्रम, जो मैं अभी तक कल परसों भी मैं ये बोल रही थी कि छोटा छोटे वे में बी टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, इट एड्स वैल्यू टू यू एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े। आश्रम फॉर मी वॉज दैट, इट वॉज लिटरली प्रकाश सर ने कॉल किया, पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया कि लिसन आई गेव योर नेम बट प्रकाश सर के दिमाग में कोई और है यू नो फॉर दिस रोल बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल। एंड मैंने तब प्रकाश सर का खुद कॉल किया, लाइक आप क्यों नहीं सोच रहे मेरे बारे में, एंड ही इज लाइक नहीं ये, आई सेड सर आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो आश्रम एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड आश्रम एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं लड़ी इस रोल के लिए। बिल्कुल। एंड आश्रम 3 अब हमारा बदनाम आश्रम हो चुका है, उसके हम सभी आई थिंक पार्ट हैं, आप भी पार्ट हैं। जी, बॉबी जी से मैंने बात की, उन्होंने भी, वो भी बहुत ही एक्साइटेड थे कि ईशा जी की एंट्री हुई है। तो बताइए कि उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? विद बॉबी देओल बहुत अच्छे हैं एंड यू नो बॉबी देओल को देख के आई थिंक सबको प्यार था उनसे सेट पे। हर मर्द, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, बच्चे थे ही नहीं हमारे सेट पे, मगर वो इस वजह से भी ही इज अ यू नो जिसे हम बोलते हैं ना ब्लू ब्लड, नो ब्लू ब्लड, वो उनके अंदर ना वो तहजीब और वो इज्जत देना लोगों को वो है, वो आपको पता चलता है कि वो सालों से सिखाए क्या, वो जो देखते हैं ना अपने घर परिवार में वो ही सीखते हैं, वो उनका देख के पता चलता है, जो वो रिस्पेक्ट देते हैं हर एक को। एंड बहुत ही कमेंडेबल है कि बॉबी जैसे इतने शाय इंसान एक बाबा निराला जैसा रोल कर रहे हैं, दैट्स व्हाट शोज कि आप अच्छे क्या एक्टिंग का आप में वो है, क्योंकि अदरवाइज इज अ वेरी रिजर्व पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, बट वो बातें उनकी अलग होती है जब हम उनसे करते हैं। एंड देन सेट पे ही इज प्लेइंग दैट कनिंग मैन, यू नो दैट लस्टफुल मैन, गलत आदमी, बदनाम। एंड वो मतलब बॉबी देओल को अगर मैं सोचूं एक शब्द जो उनके लाइफ पे कभी मैं नहीं यूज करूंगी वो है बदनाम। वो अलग बात है कि वो आश्रम से जुड़े तो इसलिए वो शब्द उनसे जुड़ा है। बिल्कुल। एंड लोगों को पसंद भी आ रही है, मैंने भी देखी, मुझे बहुत पसंद आई। एंड अब जो है हम देख रहे हैं कि ईशा जी बिजनेस वुमेन भी बन गई हैं। तो आप बताइए कि आने वाले दिनों में हम और क्या क्या देखेंगे, लाइक बिजनेस वुमेन भी हैं तो बिजनेस में कहाँ कहाँ पर आपका देखेंगे, एंड फिल्में भी हमने सुना है कि बहुत सारी कर रही हैं आप। जी, तो अभी फिल्म जो एकदम नेक्स्ट में शूट करने जाऊंगी जुलाई एंड में, यूके में शूट है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। तो इट्स डिफरेंट है अगेन, एंड राज के बाद से आई बीन ट्राइंग कि ऐसी कोई और मुझे फिल्म मिले, नॉट हॉरर, बट जब मैं खुद से देखती हूँ ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मुझे वो ज़्यादा स्केयर करता है रादर देन वॉचिंग हॉरर हॉरर, बिकॉज हॉरर ऐसा नहीं है नहीं होता बट उतना नहीं डराता, साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको ज़्यादा डराता है, मुझे खासकर। तो ऐसी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, क्योंकि मुझे कुछ कुछ करना है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। तो अभी फिलहाल वो है मेरा विच आई कैन टॉक अबाउट, क्योंकि वो हमारी इमीडिएट शूट है, अब उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी और 2 हफ्ते बाद। एंड बिजनेस में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली गॉट इनटू माय नो आई वोंट से इट्स एक्चुअली द मेन बिजनेस दैट आई एम डूइंग, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव गॉट इनटू, आई हैव एक्सपेंडेड माय सेल्फ इनटू रेस्टोरेंट
तो इंडिया में नहीं है, दुबई में. दुबई में भी नहीं है, अभी जीसीसी में है जो खुले, अभी बहरीन में खुलने वाला है एंड रियाद में एंड ऑफ द ईयर. एंड या सो इट्स एक्साइटिंग. इट्स स्पेनिश रेस्टोरेंट कॉल ततेल, तो वो वहाँ पे खुल रहा है, तो उसका दे मेड मी द ब्रांड पार्टनर, तो दैट्स एक्साइटिंग. वाओ सुपर. आई विश कि ईशा जी के सारे प्रोजेक्ट दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं ऐसे. आई रियली होप एंड आई रियली होप जब भी आप मेरा रेस्टोरेंट और आई थिंक और 6 महीने में खुल जाएंगे समर के बाद कि आप जा पाएँ, क्योंकि मेरा अनदर रीज़न टू बी अ पार्ट ऑफ अ रेस्टोरेंट लाइक दिस वॉज कि इंडिया में तब भी हर रेस्टोरेंट में आपको वीगन ऑप्शन नहीं मिलते, तो मैं चाहती हूँ हर क्यूजीन में वीगन ऑप्शन लाना. You know, that'll be something new. So hopefully you can be, I would love to have you someday at the restaurant. बिल्कुल. एंड जो आपकी फिल्में भी आ रही है, हम सभी चाहते हैं कि हमेशा डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में ईशा जी अपने ऐसे अवतार को ऐसे प्रेजेंट करते हैं. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू जब